और वाइटल है तो मतलब क्योंकि शर्त बख्शा कि वो स्पेशली यहाँ पे हमें अपना नॉलेज डिलीवर करने के लिए आए। तो मैं अब ज़्यादा देर आपके उसके दरमियान हाल नहीं रहूँगी। यू मोस्ट वेलकम। दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं, नर्सर को वेलकम करते हैं स्टेज पे डॉक्टर शमसुर रहमान। बात अपने मौजू की शुरू करता हूँ। तारफ तो है मैडम ने करवा दिया। मुझे आज टॉपिक मिला है कार्डिक एमरजेंसी को डील कैसे करना। अभी हम बात कर रहे थे और सब से बात हो रही थी, एक सिम्टम्स पे बात हुई, तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर पेशेंट आता है तो उसकी हार्ट बीट ज़्यादा है तो हम उसको कौन सी मेडिसन जो है वो फिर बोल देंगे। है बात काफ़ी दूर पकड़ रही थी। हमने सबसे पहले देखना है कि कार्डिक एमरजेंसी जो है वो हमें किस वक्त सामना करना पड़ता है, कि किस वक्त मरीज जो है वो इस कंडीशन में चला जाता है, उसके पीछे क्या फैक्टर होता है, क्या काज होता है कि जिससे हम जो है एमरजेंसी की कंडीशन में चला गया उसको वापस ले लिया। सबसे पहली बात करता चलूं कि जब तक हमें बीमारी के मैकेनिज्म का इल्म नहीं होगा कि बीमारी आई कैसे है मरीज में, उसके बाद मेडिसन के मोड ऑफ एक्शन मैकेनिज्म का इल्म नहीं होगा तो बीसू या सैकड़ों मेडिसन में से एक रेमेडी जो है वो बाहर निकालनी, सिलेक्ट करनी इंतहाई मुश्किल होगी। तो एमरजेंसी केसेस में तो इतना टाइम भी नहीं होता। हमारा दिल जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, इसको खुद भी वर्क करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी कारकर्दगी जो है वो करने के लिए इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो ब्लड से लेता है, जो कॉर्नरी आर्टरीज के जरिए इसको इसकी डाइट खुराक मिलती है। जब कभी कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए या आर्टरीज नैरो हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है फौरी तौर पे मरीज जो है एमरजेंसी कंडीशन में चला जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, उसके कार्डिक के सेल टिश्यूज जो है, सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। हमने देखना यह है कि इसके पीछे काज क्या है। पहला काज जो है वो तो है आर्टेरियल स्पाज्म, यानी जो कंडीशन है उसकी वो है आर्टेरियल स्पाज्म, यानी कि आर्टरीज का पिचक जाना। इसके पिचकने के पीछे, आर्टरीज के तंग होने के पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं, जैसा कि स्मोकिंग है, टोबैको का इस्तेमाल है, अल्कोहल का इस्तेमाल है, ऐसे केसेस में जो है आर्टरीज आर्टेरियल स्पाज्म हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कोलेस्ट्रॉल प्लेक, यानी कोलेस्ट्रॉल की वजह से आर्टरीज का नैरो हो जाना। तीसरी वजह है कैल्सिफिकेशन, यानी कैल्शियम का आर्टरीज में मजमित हो के आर्टरीज को तंग कर देना। अब ये हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। इन तीन कंडीशंस में से हमें फिर फोर जब हमारे पास पेशेंट आया है तो हम ये जो है डिसाइड नहीं कर सकते कि आर्टरियल स्पाज्म है, इसको इसका कोलेस्ट्रॉल प्लेक है, या फिर कैल्सिफिकेशन है, कैल्शियम अकुमुलेट हो गई, और ना ही इतना टाइम होता है, क्योंकि हार्ट अटैक एक ऐसी डिजीज है, इसमें जब एक दफा हार्ट अटैक आता है ना तो अगर बर वक्त इसको फौरी तौर पे हैंडल ना किया जाए तो जान का खतरा तो होता है, या अगर पेशेंट बच भी जाता है तो फिर भी डैमेजेस काफी हो जाते हैं जो सारी जिंदगी उसके साथ ही रहते हैं, जो रिकवर नहीं होते। इसमें
हमारी जो समझने की बात है कि हमने इसको फौरी तौर पे डील कैसे करना है। जब भी पेशेंट एलोपैथी के पास जाता है तो वो फौरी तौर पे उसको डील कर लेते हैं, जब भी होम्योपैथी के पास आता है तो होम्योपैथी जो है उसमें उसको होम्योपैथ को काफी पेचीदगी पैदा होती है कि उसको कैसे डील किया जाए। ये एक बात और ऐड करता चलूं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है ना, ये बड़ी जरूरी बात है क्योंकि फार्माकोपिया ने इसमें काफी जो है बिजनेस किया है कोलेस्ट्रॉल के नाम पे। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से, बढ़ना जो है ये कोई हार्ट अटैक की वजह से नहीं या दिल की बीमारी की वजह से नहीं है। हमारी बॉडी में जब भी कहीं इंफ्लामेशन होगी हमारे जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये भी एक बात है कि कोलेस्ट्रॉल में जो है हम डाइट कंट्रोल करें, ये करें, रिच कोलेस्ट्रॉल डाइट ना लें, हमारी बॉडी जो है 80% से 90% तक कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, 20 से 10% तक जो है हम बाहर डाइट से लेते हैं। यानी कि अगर डाइट का कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पे, लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के पीछे जो है रीजन जो है वो इन्फ्लामेशन है। जैसे देखें एक पेशेंट को इन्फेक्शन हुई तो नतीजतन बुखार हो गया, बुखार तो डिजीज नहीं, इसके पीछे जो फैक्टर है वो इन्फेक्शन है। हम बुखार को अगर ट्रीट करते हैं, बुखार को दबाने की कोशिश करते हैं, जैसा हम अपनी बात नहीं कर रहा, जैसे जो है तिब्बे जदीद में चल रहा है, जब तक इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे उतनी देर तक बुखार नहीं जाएगा। यानी सबसे पहले काज को खत्म करेंगे, वरना बुखार थोड़ी देर बाद, 2-4 घंटे बाद, 5 बाद, 1 दिन बाद दोबारा वापस आ जाएगा। यानी कि बुखार बजाते खुद कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम्स है, एक साइन है, एक सिग्नल है पीछे इन्फेक्शन का। इसी तरह बॉडी में जब इन्फ्लामेशन होती है कहीं पे भी तो हमारी बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का बेसिक काम है बॉडी को रिपेयर करना। केक दूसरा, ये विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से प्रोड्यूस होगा। तीसरा, हार्मोन्स जो हैं एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स भी जो हैं एपिनेफ्रीन, ये कोलेस्ट्रॉल से प्रोड्यूस होंगे। लेकिन जब कभी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा तो इससे मुराद जो नॉर्मल रेंज क्रॉस कर गया, बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया, तो इससे मुराद है कि बॉडी में कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज है। किया क्या जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल कम किया जाएगा, उसको कैसे किया जाएगा, उसकी प्रोडक्शन के चैनल जो है उनको ब्लॉक किया जाएगा। जैसे स्टेटिंस टैबलेट मार्केट में मौजूद है, मुख्तलिफ नामों में आ रही है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेंगे, नॉर्मल से नीचे करेंगे या उस मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल के लिए देंगे, तो नतीजतन जो है, क्योंकि ये मसल्स एजिंग करता है, इससे जो है मसल्स जो है इसकी लेवल घटाने से, कम करने से मसल्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। और हमारा जो कॉर्डिक है वो भी बेसिकली मसल्स पे डिपेंड है, कॉर्डिक भी कमज़ोर हो जाएगा। यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको डायरेक्टली हिट करने की बजाय हम इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हैं हमारे पास बहुत सी मौजूद हैं, जो इन्फ्लामेशन खत्म होगी तो कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल यानी हमने कोलेस्ट्रॉल को कभी भी ट्रीट नहीं करना, हमने इन्फ्लामेटरी डिजीज को जो है वो टैकल करना है, डील करना है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। बात यह है कि अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल से आर्टरीज नैरो हुई है, कॉर्नरी आर्टरीज, या कैल्सिफिकेशन से हुई है, या आर्टरियल स्पाज्म, सबसे पहले हमने उसको जो है मरीज को सीरियस कंडीशन से, इमरजेंसी कंडीशन से बाहर निकालना। उसके लिए
हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जो फौरी तौर पे विद इन अ 2 or 3 minutes जो है आर्टरीज को जो है वैसोडिलेट करके उनको फैला दे, फिर हम टैकल करें उसको जो है हैंडल करेंगे कि हमने अब इसको सिम्टोमेटिकली डील करना है इसको, ये पेशेंट किस मैकेनिज्म में आता है। हमारे पास 2 pharmacopoeia में मेडिसिन ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से फौरी तौर पर बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एक ग्लू नाइन होम्योपैथिक मदर टिंक्चर या 3x या 4x, इसके 20 ड्रॉप्स आप अगर 20 से 30 ड्रॉप्स फौरी तौर पे मरीज की जुबान पे डालते हैं विद इन 2 or 3 minutes बगैर किसी सिम्टम्स के, सिर्फ और सिर्फ इतनी ड्यूटी आपने इससे लेनी है कि मरीज को रिस्क से निकाल लेना है, फौरी तौर पे जो है आर्टरीज जो है वो डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी पूरी बॉडी। दूसरी मेडिसिन है हमारे पास एमाइल नाइट्रेट, यानी दोनों ही नाइट्रेट्स हैं। नाइट्रेट जो बॉडी में जाएगी, एमाइल नाइट्रेट भी जो है मदर टिंक्चर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे और ग्लू नाइन भी मदर टिंक्चर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, तो नतीजतन बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, आर्टरीज जो है डायलेट होंगी, ब्लड फ्लो जो है वो बहाल हो जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का बॉडी में फंक्शन जो है ब्लड फ्लो को बढ़ाना भी है, कार्डिक मसल्स को, कार्डिक सेल्स को जो है ऑक्सीजन मिल जाएगी जो उनकी गिजा है, उनको ब्लड सप्लाई बहाल हो जाएगी। फिर हम उसके मैकेनिज्म पे जाएंगे कि मरीज की कंडीशन के इतबार से हमने इसको क्या देना है। अगर तो जैसे सवाल था डॉक्टर साहब का, हार्ट बीट बढ़ी हुई हार्ट बीट जो है हाइपरथायराइडिज्म में बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें जो है जब T3-T4 लेवल जो है बढ़ेगा, नतीजतन जो है हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसके मैकेनिज्म के नतीजा में जो है हार्ट बीट जो है तेज हो जाएगी, वो कार्डिक पेशेंट डिक्लेयर नहीं होगा, वो एमरजेंसी में भी नहीं जाएगा, क्योंकि रूटीन में जो है 110 से 120 तक हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में होता है। ऐसे केसेस में कार्डिक फेलियर के जो है वो केसेस सामने आते हैं हाइपरथायराइडिज्म के, अचानक जो है दिल फेल हो जाता है, इनकी ब्लड सप्लाई जो है वो मुअत्तल नहीं होती, यानी इनकी कोई आर्टरीज नैरो नहीं होती, डायरेक्टली जो है हार्ट जो है वो फेल हो जाएगा क्योंकि मसल्स अपना काम छोड़ देंगे। हमारे पास जो आती है हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन डिजिटाइज, दूसरी हमारे पास जो है बात में मैकेनिज्म की इसलिए कर रहा हूं कि एफोरिज्म नंबर 3 में डॉक्टर हनीमैन फरमाते हैं कि हमने देखना ये है कि बीमारी में क्या ठीक होने वाला, बीमारी में क्या ठीक किया जा सकता है या क्या ठीक करना है, और हमने देखना यह है कि दुआ में क्या ठीक करने की सलाहियत, दुआ क्या ठीक करेगी, और हमने मेडिसिन जो है वो सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ एक्शन कि मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। फिर हमने ये भी जानना है कि मेडिसिन को प्रिपेयर करने का जो मोड है वो क्या है, इसलिए बात मोड ऑफ एक्शन पे कर रहा हूं। डिजिटाइज जो है जैसा कि मैंने बोला कि आर्टिकल स्पाद में जो है टोबैको का इस्तेमाल होता है, तो हमारे पास जो टोबैको की दूसरी मेडिसिन है ये सारी की सारी जिनमें टोबैको भी है, जिनमें डिजिटाइज भी है, जिनमें आर्निका भी है, जिनमें लोबेलिया इन्फ्लाटा भी है, ये सारी की सारी आर्टरियल स्पाज्म पे जो है काम करेगी। और इनका मैकेनिज्म क्या है, इसको हम कंट्रोल जो अगर फिर वक्त करते हैं फौरी तौर पे करते हैं कैसे करते हैं, और ये किस नतीजा में जो है हमें पता होगा कि इसका बॉडी में ये मैकेनिज्म चल रहा है और हमें इसको कैसे डील करना है।
डिजिटलिस का काम है सोडियम और कैल्शियम एटीपेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं बॉडी में। डिजिटलिस अगर हम मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं, थोड़ा टॉपिक खुश्क है लेकिन तवज्जो की जरूरत है। सोडियम और पोटाशियम जो पंप हैं, जिनकी वजह से सेल्स के अंदर सोडियम पोटाशियम जो है वो अदल बदल हो रही है, यानी सोडियम सेल्स के अंदर दाखिल हो रही है और पोटाशियम बाहर आ रही है, ये एक चेन बना हुआ है जिसकी वजह से हमारे जो है कार्डियक सेल्स जो है वो मुतहरक हैं, काम कर रहे हैं। इसका काम है कि सोडियम और पोटाशियम दोनों को जो है वक्ती तौर पर रोक देना। नतीजतन वैसे सोडियम के 3 आयन और पोटाशियम के 2 आयन, इनका तबादला होता है सेल्स के अंदर। पोटाशियम उधर रुकेगी सेल्स सेल के अंदर और सोडियम जो है वो बाहर रुकेगी, तो नतीजा क्या होगा कि सोडियम लेवल जो है वो ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाएगा। अगर सोडियम लेवल बढ़ेगा तो हमें किस मेडिसिन की अलामत मिलेगी? नेट्रम ग्रुप में आ जाएंगे, हमें जो है नेट्रम लोअर की अलामत भी मिलेगी। पोटाशियम लेवल भी उधर ही इनहिबिट किया जाएगा, रोका जाएगा, तो हाइपरकैलेमिया की अलामत भी हमें उधर ही मिलेगी, यानी कैलियम ग्रुप कैलिफॉस इस ग्रुप की जो है अलामत भी हमें मिलेंगी, नेट्रम ग्रुप की अलामत भी मिलेंगी, उनकी कमी पेशी भी मिलेगी। अब डिजिटलिस का अगला जो मैकेनिज्म है वो क्या है? उसने यहां पे रोका नहीं काम, उसने सोडियम को बाहर खारिज करवा के कैल्शियम को सेल के अंदर दाखिल करना शुरू कर दिया और कार्डियक का कंट्रैक्शन जो है वो बढ़ा दिया, उसकी पावर को बढ़ा दिया। कार्डियक फेलियर में ये यूज होती है डिजिटलिस होम्योपैथिक मदर। अब नतीजा क्या है कि ब्लड स्ट्रीम में हमें कैल्शियम कम मिल रहा है, पोटाशियम लेवल भी ज्यादा है, सोडियम लेवल भी ज्यादा है। अलामत किसकी आ रही है? पोटाशियम लेवल बड़े होने की बॉडी अलामत बाहर दे रही है और सोडियम लेवल बड़ा होने की अलामत जो है वो बाहर बॉडी जो है वो दे रही है। ये जो अलामत वो दे रही है, हार्ट बीट बढ़ी हुई हरकत से अजाफा, ये सारी जो है अलामत, कुछ अलामत हमें नेट्रम ग्रुप में मिल रही हैं, कुछ अलामत हमें सोडियम ग्रुप में मिल रही हैं। अगर हम उसको जब रेपर्टरी में जाते हैं ना, तो हमें नेट्रम ग्रुप भी उस अलामत में मिल जाएगा, पोटाशियम भी मिल जाएगी और डिजिटलिस भी मिल जाएगी। हमें ये पता होना चाहिए कि जब इसका मैकेनिज्म, जब पोटाशियम लेवल बढ़ेगा ब्लड स्ट्रीम में, तो जो हमारे पास प्रूविंग है वो है डिजिटलिस की, तो वैकम ग्रुप की। डिजिटलिस क्यों हम जो है देखेंगे अगर, तो दूसरी तरफ हमें जो है इलसीरम भी मिल जाएगी इन्हीं अलामात के अंदर, सेम अलामात हैं दोनों की, कार्डिक की, इलसीरम की और डिजिटलिस की। फर्क ये है कि इलसीरम का मैकेनिज्म जो है वो किडनीज से स्टार्ट हुआ, उसमें सबसे पहले किडनीज मुतासिर हुए, बाद में जो है किडनीज जब मुतासिर हुए तो सोडियम का हराज भी रुक गया, पोटाशियम लेवल भी बढ़ गया, यानी बॉडी से जो है हराज रुकने की वजह से पोटाशियम लेवल और सोडियम लेवल बढ़ गया और कार्डिक पे जो है अलामात जो हैं पोटाशियम की भी आ गई और सोडियम की भी आ गई, यानी दोनों में अलामात सेम है। अब हमारे पास जब केस है तो हमने मैकेनिज्म को जब मद्देनजर रखा, मरीज को मद्देनजर रखा, तो हमें मालूम हो गया कि इसका तो स्टार्ट किडनी से हुआ है, तो हमने डायरेक्टली इसमें जो है वो देनी है इंसुलिन। अगर बीमारी स्टार्ट जो है वो डायरेक्टली कार्डिक से हो के फिर जो है किडनी की तरफ सफर किया है, तो फिर हम देंगे डिजिटलिस। यानी मैकेनिज्म जो मेडिसन जो फर्स्ट अटैक या फर्स्ट जो है चेंजेस बॉडी में लाती है ना, वहां से बीमारी भी ऐसे ही हमारे पास आती है, क्योंकि हमारे पास प्रोविंग में भी ऐसे ही है, जो उसने पहली तब्दीली पैदा की वो उसका मरकज है। मरकज को हमने जब पकड़ लेना है तो हमारी मेडिसिन की सिलेक्शन जो है, फिर हमारे पास जो है सोडियम का नेट्रम ग्रुप खत्म हो गया, पोटाशियम ग्रुप खत्म हो गया,
फिर हमारे पास सीधा सीधा डिजिटल आ गया, एसी का मार गया। हाँ, अगर बॉडी में पोटेशियम डेफिशिएंसी का नतीजा है तो फिर डिजिटलिस का काम नहीं है। अगर सोडियम डेफिशिएंसी है तो उसकी अलामत की वजह से है तो फिर डिजिटलिस का काम नहीं है, फिर हमें सोडियम पोटेशियम ग्रुप में ही जाना पड़ेगा, उसी की पोटेंसी को जो है ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी हमारे पास जो अलामत आई उसमें ऐसे पेशेंट कार्डिक का पेशेंट है लेकिन साथ में जो है किडनी का मरीज भी है, उसमें पोटेशियम लेवल बढ़ गया है लेकिन कैल्शियम लेवल उसका जो है वो सेल्स में कम हो गया है, ये भी तब्दीली है हमारे पास। क्योंकि डायलिसिस के जितने भी पेशेंट होते हैं ना, जब डायलिसिस पे जाते हैं तो उनमें जब कार्डिक की तकलीफ होती है तो उनमें जो है पोटेशियम लेवल बढ़ता है, या बॉडी अगर डायलिसिस पूरा जो है फिल्ट्रेशन ना हो सके, पूरा बॉडी से खारिज ना हो सके और कैल्शियम लेवल भी गिर जाए तो ऐसी कंडीशन में जो है हमारी डिजिटलिस नाकाम है। क्योंकि डिजिटलिस एंटी डायूरेटिक है, ये किडनीज को जो है बंद करने वाली है। ईल सीरम की प्रोविंग में भी जो है किडनीज को बंद करना है, और ईल सीरम के इंतहाब में जो है, क्योंकि ये रिलेटेड टॉपिक है दोनों कार्डिक और किडनीज, ईल सीरम जो है इसमें सबसे बड़ी जो है गलती की जाती है कि इसको बार बार रिपीट किया जाता है। ईल सीरम बेसिकली ईल फिश का सीरम है, जैसा इसका मैकेनिज्म है इसको वैसे, इसका मैकेनिज्म जो है सेम बिजली जैसा है, इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, शॉक जैसा है, और ईल फिश जो है वो भी बॉडी में शॉक देती है पहले और उसकी वजह से किडनीज मुतासिर होते हैं, फिर हार्ट मुतासिर होता है। इसके ईल सीरम का जो इंतहाब है वो किडनीज से जो है हार्ट की तरफ है, और डिजिटलिस का हार्ट से किडनीज की तरफ है। लेकिन हमारे पास जो है, जब पोटेशियम लेवल भी रिपोर्ट्स में इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस है, पोटेशियम लेवल भी गिरा हुआ है, सोडियम लेवल भी गिरा हुआ है, सोडियम लेवल सॉरी बढ़ा हुआ है, और पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है, कैल्शियम लेवल गिरा हुआ है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है कार्डिक पेशेंट में एडुनस वर्नालिस जो है वो फौरी तौर पर कैल्शियम लेवल को बॉडी में बहाल करती है, कैल्शियम के इस्तेमाल को बॉडी में रोकती है और फौरी ब्लड स्ट्रीम में बहाल करके उसको सारी की सारी सप्लाई कार्डिक को देती है। हाइपोकैल्शियमिया कैल्शीमिया के केसेस में भी जो है हार्ट अटैक आ जाता है, अगर कैल्शियम लेवल गिर जाए तो फिर भी जो है हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसी कंडीशन में जो हमारी फिल फोर जो है रिकवर करने वाली मेडिसिन है वो है एडुनस वर्नालिस होम्योपैथिक मेडिसिन। पहली जो स्टेज थी हमारी वो थी कि हमने आर्टरीज को डायलेट किया, उसके लिए हमने ग्लूनाइन होम्योपैथिक मल टिंचर को यूज किया, एमाइल नाइट्रेट होम्योपैथिक मल टिंचर को यूज किया। फिर हमने उसके बाद जो मैकेनिज्म पे आए हैं, हमने देखा इसकी रिपोर्ट्स क्या कह रही है, इसके सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, इसमें हाइपरकैल्शियमिया है, हाइपोकैल्शियमिया है, हाइपर नाइट्रेमिया है या हाइपर मैग्नीशियम है, क्या है इसमें, फिर मैग्नीशिया में आगे फिर हमने उसकी मेडिसिन की सिलेक्शन कर ली आसानी के साथ। कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है हमने अगर कंट्रोल करना है, उसको नॉर्मल करना है, तो उसमें हमें कोलेस्ट्रॉल हाइपरलिपिडेमिक मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उसमें किसी भी स्टेटिंस की जरूरत नहीं है, उसमें आप एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग यूज करें, कर्कुमा लोगा होम्योपैथिक मल टिंचर यूज करें, मोरिंगा ओलिफेरा यूज करें, विद इन 7 डेज कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। इसका मैकेनिज्म है सबसे पहले इंफ्लेमेशन को खत्म करना, जैसे इन्फ्लामेशन खत्म होगी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी। अगर आपने इसको पोटेंसी में डील करना है तो इसमें हमारे, इसके लिए हमारे पास बहुत सी मेडिसिन आएंगी जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, जिनमें नक्सोमिका भी आ जाएगी, लुबेलिया इन्फ्लाटा भी आ जाएगी, तो वैक्यूम भी, लेकिन यू अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होंगी, अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म नहीं। अगर आप सिम्टम्स या सिम्टम्स सेम होते जाएंगे, क्योंकि कुछ सिम्टम्स होते हैं जो सिम्टम्स ऑफ डिजीज है, कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो इंडिविजुअल हैं, जो पेशेंट के इंफरादी होते हैं, मेडिसिन को अलादा करते हैं। हमने केस में जितने भी सिम्टम्स ऑफ डिजीज हैं सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट में, हमने उनको इग्नोर करना है, क्योंकि वो सेम हो जाएंगे। जिस तरह आप देखें बुहार है, बुहार मलेरिया है, टाइफाइड है, जो भी है, उसमें टेम्परेचर तो बढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास ये आ गया कि मरीज का टेम्परेचर बहुत गर्म है, दर्जा बढ़ा हुआ है, हमने इसको नज़रअंदाज करना है, क्योंकि ये
डिजीज का सिम्टम है, ये इन्फेक्शन का सिम्टम है। हमने जो है उसको अलादा कैसे करना है, जो हमारे पास इंडिविजुअल जो है सिम्टम्स आएंगे उसके लिए जो है हमें मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी मेडिसिन की। यानी जब तक मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन नहीं लेंगे हम उस वक्त तक मेडिसिन को अलादा नहीं कर सकेंगे। वैसे अगर हम देंगे 10 मेडिसिन के सिम्टम सेम होंगे जो पेशेंट बताएगा, क्योंकि उसने सिम्टम्स ऑफ डिजीज आपको देने हैं, जो सिम्टम्स बताएगा वो सारे के सारे सेम होंगे, यहां पे आके परेशानी वाली बात बन जाएगी। तो ऐसे केसेस में जब तक सिम्टम्स आपके क्लियर ना हो, मैकेनिज्म आपका क्लियर ना हो, कोशिश करें कि मेडिसिन जो है लो से लो पोटेंसी में इस्तेमाल करें, हाई पोटेंसी में ना जाए, 30 में ना जाए, 200 में ना जाए, 3x में रहे, 1x में रहे, 2x में रहे। फ्रांस में टोटली 12x से ऊपर प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जब हम उस वक्त हाई पोटेंसी में जाएं जब आपके पास 100% श्योरिटी है कि आपके पास जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हैं, जो मैकेनिज्म है वो आपका 100% क्लियर है, तो आप जो है सिंगल रेमेडी की एक डोज दे के 15 दिन इंतजार कर लें, एक हफ्ता इंतजार कर लें, केस जो है वो ठीक होता चला जाएगा, वो शफायाब होता चला जाएगा, उसको रिपीट करने की जरूरत ना होगी। दूसरा जो हमारे पास एमरजेंसी में आता है कि फौरी तौर पे मरीज का एलर्जिक कंडीशन में जो है ब्लड प्रेशर अचानक से गिर गया, ब्लड प्रेशर को हमने उठाना है, किसी मेडिसिन की एलर्जी होगी, रिएक्शन हो गया, या किसी सदमा की वजह से ब्लड प्रेशर गिर गया, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो जो बॉडी करती है हमने वही करना है। बॉडी क्या करती है ऐसी कंडीशन में, बॉडी जो है एपिनेफ्रिन का सेक्रेशन बढ़ा देती है ताकि मरीज रिस्क में ना जाए, डेथ ना हो, मरीज का दिल फेल ना हो जाए, कार्डिक फेलियर ना हो। वो क्या करेगी बॉडी, बॉडी एपिनेफ्रिन का लेवल जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है वो बूस्ट कर देगी, उसका सख्त की हालत में या एलर्जिक कंडीशन में जब एपिनेफ्रिन लेवल बूस्ट नहीं हुआ तो मरीज अचानक से बेहोश हो गया, उसका ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया, फौरी तौर पे ठंडे पसीने आ गए, बेहोशी की कंडीशन बन गई, तो ऐसी कंडीशन में हमने उसको दे दिया एपिनेफ्रिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन हमारे पास सुप्राग्लैंडुलर रेनालिस के नाम से होम्योपैथी में, सुप्राग्लैंडुलर रेनालिस या एड्रेनालिन के नाम से भी मसूल फार्मा दे रही है, बाल सुप्रा ग्रैंडुलर रेनालिस के नाम से दे रही है, बाल फार्मा जो है वो एपिनेफ्रिन के नाम से ही दे रही है, क्योंकि एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन सेम एक के दो नाम है, लेकिन होम्योपैथी में उसको सुप्रा ग्रैंडुलर रेनालिस बोरक मटेरिया मेडिका में नाम इस्तेमाल किया गया, दौलत सिंह के मटेरिया मेडिका में भी अल्बम सुप्रा ग्रैंडुलर रेनालिस किया गया, लेकिन बोरक ने उसको एड्रेनालिन के नाम से दिया। ये जो एलोपैथी में आता है, एलोपैथी में भी एड्रेनालिन दिया जाता है, होम्योपैथी के पास भी एड्रेनालिन है, यही वक्ती तौर पे एमरजेंसी आप अपनी फील्ड में भी जो है पूरी कर सकते हैं, आपका पेशेंट तो जो है आपको रेफर करने की तो जरूरत नहीं है, आप फौरी तौर पे उसको एड्रेनालिन दें, एड्रेनालिन जो है वो 3x में दें, 3CH में दें, मसूद की बनी हुई है आपको मिल जाएगी, आप उसके 20 से 30 ड्रॉप्स देंगे, उसका जो है जो एलोपैथिक इंजेक्शन आता है वो 10,000 ड्रॉप्स वहीकल है और 1 ड्रॉप एड्रेनालिन, अगर आप 3x में जाते हैं तो आपकी डोज पूरी हो जाती है, 3CH में जाते हैं तो आपकी डोज उधर भी पूरी हो जाती है, वो आप उसके 20 से 30 30 ड्रॉप्स देंगे डायरेक्टली जुबान पे देंगे, क्योंकि फौरी तौर पे जज़्ब हो जाएगी, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपका मरीज बहाल हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास ग्लू-9 है, ग्लू-9 होम्योपैथिक में है, एमरजेंसी कंडीशन में एलोपैथिक वाले एंटीसिड फौरी तौर पर जुबान के नीचे रख देते हैं, एंटीसिड ग्लू-9 का ही दूसरा नाम है, ग्लाइसराइल नाइट्रेट है, आपको एंटीसिड का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, आप फौरी तौर पे अपने केस को जो है फौरी तौर पे जो है उसको रिस्क से निकाले, फिर उसकी तकलीफ के पीछे काज देखिए, अगर इन्वायरमेंटल है, स्ट्रेस है, कोई सदमा पहुंचा है तो वो तो वैसे ही रिकवर हो जाएगा, सदमे से निकल आएगा, अगर उसके पीछे कोई बॉडी में बिगाड़ पैदा हुआ है, फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है, या कोई इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो फिर आपको उसको जो है डील करें, एंटीसिड की जगह हमारे पास क्या लेवल बदल है, ग्लू-9, यानी कि आपके एमरजेंसी मेडिसिन में ग्लू-9 होम्योपैथिक मदर टिंक्चर
मौजूद होनी चाहिए। इससे जो है आप फौरी तौर पे मरीज को जो है जुबान के नीचे 20 से 30 ड्रॉप्स डाल के उसका आर्टरियल स्पाज्म भी दूर कर सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से प्लैक है तो फिर भी आप जो है उसको नैरो कर लेंगे। अगर कैल्शियम अकूमुलेट हुई है, कैल्सिफिकेशन है, फिर भी आप उसको फैला लेंगे। दूसरी आपके पास अमाइल नाइट्रेट है। एलोपैथी में जो है इसका अमाइल नाइट्रेट के नाम से ही एक कैप्सूल आता था जिसको तोड़ के सुंघाया जाता, अब आराम हो गया। उसका काम क्या था, सूंघने से जो है वो टोटली जो है वो आर्टरीज को जो है वो डायलेट कर देता। हमारे पास अमाइल नाइट्रेट है, सुंघाई भी जा सकती है, उसके 10 से 20 ड्रॉप्स पिलाए भी जा सकते हैं और नेबुलाइज भी किया जा सकता है। अगर लंग्स की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन जज़ब नहीं हो रही, तो उससे नेबुलाइज भी किया जा सकता है। आपका पेशेंट एमरजेंसी कंडीशन से निकल रहा है, वो एड्रेनालिन इंजेक्शन लगा रहे हैं आप सुप्राग्लैंडुलर रिनालिस क्यू में, वो एंटीसिड दे रहे हैं आप फौरी तौर पर एमरजेंसी, ये एमरजेंसी कंडीशन की बात है। क्योंकि ये सवाल पैदा होगा कि ये जो बिल जिद की अलामत जो है वो बता रहा है, एफोरिज्म नंबर 22 में हनी मैन ये कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट से जाहिर होगा कि आपने ऑपोजिट सिम्टम्स पे मेडिसिन देनी है या सिमिलर पे देनी है। ये एक्सपेरिमेंट और कंडीशन पे डिपेंड करेगा एफोरिज्म नंबर 22। अगर कंडीशन मरीज की ये है, मरीज आपके पास टाइम नहीं है फौरी तौर पर आपने उसको जो है स्टेबल करना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको जो है ऑपोजिट सिम्टम में आ जाए। ऑपोजिट सिम्टम में क्या है, ऑपोजिट सिम्टम में वो है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो अलामत है उसके ऑपोजिट। लेकिन जो बॉडी में है, अगर एपिनेफ्रिन लेवल कम है या नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल कम है, एक ही इतबार से बिल मिसल भी गया, आपने नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवा दिया है, दूसरी साइड पर आपने एपिनेफ्रिन लेवल बूस्ट करवा दिया है, बस पूरी तरीके से। लेकिन ये ऑपोजिट है, इसकी जो है कंडीशन के इतबार से, लेकिन है आपकी फील्ड के अंदर, आपको फील्ड से बाहर जाने की किसी भी सूरत में जरूरत नहीं है। जो हार्ट बीट बढ़ी हुई है, कार्डिक फेलियर का होफ है, फौरी तौर पे आपने सोडियम कैल्शियम सोडियम पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करना है, बाद में सिम्टम्स पे डिपेंड करेगा ना। फौरी तौर पे जो है ब्लॉक करना है सोडियम पोटाशियम पंप को, तो यहां पर आप डिजिटल होम्योपैथिक मदर टिंचर देंगे, डिजॉक्सन के नाम पे एलोपैथी में मौजूद है, इसी का एक्सट्रैक्ट है, आपके पास भी मौजूद है। लेकिन आपके पास इमरजेंसी में आप ऑपोजिट सिम्टम पे आ गए हैं, तो कोई जुर्म तो नहीं किया आपने, तो मरीज को जो है आसान उसकी जो है तकलीफ को दूर कर लिया है, सिम्टोमेटिकली डील करें। ये जो है ना, ये कोई गुनाह तो नहीं है अगर आप ऑपोजिट सिम्टम पे आ गए। तिब्बे नबवी क्या है, ऑपोजिट सिम्टम है। तिब्बे यूनानी क्या है, ऑपोजिट सिम्टम है। एलोपैथिक तिब्बे यूनानी की जदीद फॉर्म है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आगे आके केमिकल फॉर्म में आ गई है, केमिकल फॉर्म केमिकल्स जो है बॉडी में बाइंड हो जाते हैं, पेशेंट जो है वो सारी उम्र जो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में चला जाता है। अगर एंटीबायोटिक केमिकल की सूरत में दे रहे हैं, तो नतीजतन अंतड़ियों में जो हमारे बैक्टीरिया हैं जो B12 विटामिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 से 6 माह तक वो रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। 3 से 6 माह तक उसमें जो है B12 डेफिशिएंसी की अलामत बरकरार रहेंगी। ये तो आगे लेटेस्ट जो है केमिकल्स में आ गई है एलोपैथी। लेकिन जो बॉडी पार्ट्स है, जो बॉडी की जरूरत है, जो बॉडी के हार्मोन है, वो तो आपके पास मौजूद है एमरजेंसी सूरत में। अब हमारे पास एमरजेंसी सूरत में क्या क्या निकला, एक तो ग्लूनाइन होम्योपैथिक मदर टिंचर जो वेसल डिलेटर है, यानी कि फौरी तौर पर वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को जो है फैला देगी। दूसरी हमारे पास जो है इमाइल नाइट्रेट, ये भी फौरी तौर पे ब्लड वेसल्स को फैला देगी। तीसरी हमारे पास शॉक की हालत में सुप्राग्लैंडुलर रिनालिस यानी एड्रेनालिन मदर टिंचर फॉर्म में फौरी तौर पे जो है ब्लड प्रेशर लेवल को बूस्ट कर देगी। आम रूटीन में अगर ब्लड प्रेशर है तो एड्रेनालिन ना दें, क्योंकि इससे हार्मोन सेक्रेशन मुतासर होगा बाद में। उसमें आप ग्लाइसराइज़ा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंचर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्लाइसराइज़ा ग्लैब्रा होम्योपैथिक मदर टिंचर अश्वगंधा होम्योपैथिक मदर टिंचर ये बॉडी के अंदर ही जो है कार्टिसोल की प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर देती है। वैसे जो है कार्टिसोन जो है वो एलोपैथी में जो है सोडोकॉर्टिफाइजोनेट के नाम से मौजूद है, लेकिन आप बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस कराते हैं, और इसमें भी जो है मसनू तौर पर भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से फौरी तौर पर बीपी जो है वो एमरजेंसी की सूरत में उसको डील किया जा सकता है।
एमरजेंसी की सूरत में अगर सदमा की सूरत आता है तो एक्नाइट होम्योपैथिक मदर टिंचर जो है उसको भी दिया जा सकता है, वो भी फौरी तौर पे कार्डिक को स्टिमुलेट करेगी, लेकिन उसकी जो है उसमें ये रिस्क होता है कि उसके 5 से 10 ड्रॉप से आप तजावज़ नहीं कर सकते उसमें कोई ना कोई, क्योंकि वो एक टॉक्सिन। वैसे तो अगर मैकेनिज्म पे बात करें, मेडिसिन के मैकेनिज्म पे बात करें, लाइसाइल के नाइट्रेट के मैकेनिज्म पे बात करें या डिजिटलिस के करें, कर्बलेरिया मेजेलिस पे करें, तो उसके लिए तो बहुत टाइम दरकार है, उसके लिए तो लादा हमने वीडियोस अपने चैनल्स पे डाली हुई है। लेकिन यहाँ पे आज का मौजूद था सिर्फ इमरजेंसी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि डॉक्टर सीनियर डॉक्टर साहब डॉक्टर अरफानशीक साहब उन्होंने भी डिस्कस करना है। लेकिन हमारे पास जो इमरजेंसी कंडीशन में मेडिसिन आई है वो हमारे पास है डिजिटलिस, अडोनस वर्नालिस, सुप्राग्लैंडुलर रिनालिस, ब्लोनाइन और एपिनेफ्रिन। ये हमारे पास कार्डिक में एमरजेंसी में इक्वल हैं एलोपैथी और होम्योपैथी में, ठीक है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, कोई ड्रैप का कानून लागू नहीं है, कोई नहीं है, ये आपकी अपनी फार्माकोपी रहती है, लेकिन आपने इसको अपोजिट सिम्टम में ले आनी है, अपोजिट फॉर्म से ले आनी है, क्योंकि इसका इख्तियार भी आपको आर्गेनम की एल्गोरिथम नंबर 22 में दिया गया है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत